व्यापार मेला है, जिंदगी के खेला है, व्यापार मेला है, हर किस्म के रंग है, चले के ढंग है, हंसी है, फुहार है, एक किस्म के तिहार है। और ये चैनल कोमल देवांगन, कोमल देवांगन के संग अजय पांडे एक दोस्त है, दोनों मस्त है, खाओ पियो मस्त रहो, तिहार में सफल संस्कार है, इसलिए हम बड़े हैं, इसलिए हम बड़े हैं। लेकिन क्या कर रहे, आज सिस्टम को इसने बेटी आगे बढ़ा। मैं कहा कर रहा हूँ माता जानकी पुष्प वाटिका में आई, भगवान रामला देखी, जाके भगवान रामला प्रपोज नहीं करी, आई लव यू इसे की नहीं बोली भगवान रामला, वो थ्रू प्रॉपर चैनल आवेदन फसाई, आवेदन लगाई सो जाके काकर पास, गौरी माता के पास। माता जानकी जब भगवान राम के प्रति रीझ गई तो उन्होंने प्रपोज नहीं किया, उन्होंने माता जानकी के सामने आवेदन लगाया। जय जय जगदम्बा जग जननी गजवदन फड़ानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगनी हो अखिलेश्वर की, अंतरयामिनी घट घट वासिनी, किस तरह कहूं उर अंतर की। ये आवेदन माता जानकी का गौरी जी के आगे, और गौरी जी ने बिना कुछ आवेदन को पढ़े अनुमोदित किया, और अनुमोदन की चार पंक्तियां लगाई। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी ही है, नारद का वचन सत्य होगा, यही आशीष हमारी है। यह है थ्रू प्रॉपर चैनल। अब आजकल तो टूरा टूरी मन के कुछ कह के नहीं जा सके, धोया भिगया और हो गए। एक जल्दीस वैलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट के दुकान में किस, आपके यहाँ ऐसा कोई कार्ड है क्या जिसमें लिखा हो मैं सिर्फ 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 तुमको प्यार करती हूँ, है ऐसे कि एक ठन सौ ठन पैक कर दे इसे। संस्कार ऐसे माहौल में हमें अपने संस्कारों को जिंदा रखना है। जमाना बदल गया, पहले घर के दरवाजे में सियान ला बैठाते रहे, बाबा बैठ गए कुकुर मत फूस रहे, अब कुकुर ने बैठा देते बाबा मत फूस रहे। कितना बदल गया, पहले घर में शादी ब्याह होए तो घर के माई लोगन मन भात रांध है, अब एक जमाना में नाचे वर हम उंगली से देवर नीन बलान, आपन बहुत बड़े सप्लायर रहे होकर बहुत पेकी कुछ सप्लाई कर रहे हो जाना छोड़िए गाँव पारा ओकरे पर फेमस होता ग्रेट सप्लायर ऑफ हिंदुस्तान मैं जाना था। तो अब जमाना बदल गए, अब नाचे बर नचनिया बाहर ले नहीं बुलाए, बर बिहा होते घर के माई लोगन नाचते, खाना बनाए पर बाहर से आदमी आते। संस्कार बदले है, ये बदले संस्कार में अगर कविता को जिंदा रखना है। आज कविता किस संक्रमण से गुजर रही है, फिल्मों ने बिगाड़ रखा है, फिल्म मन के गाना सुन ले मेरे गोरे गोरे गाल, मैं क्या करूं काकर किराए में दे दे, अब देखकर दो फ्लैट रही थे किराए में दे दे तो दो गाल है एक किराए में दे, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, अरे सबो पिया घर में आते कौन पड़ोस में भूखा, गाना इसे बना थे एक और ऋतिक रोशन, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं अत्या ऐसा क्यों है अपने बाप से पूछ, हम चले कोई राकेश रोशन है क्या। रात के 11 बजे मरघंटी में जाते गाना गाते, झलक दिखला जा झलक दिख, अरे कहा झलक दिखलाए तो समझ में आ जाए, गाना इसे बन गया। ये गाना ला जीना बड़ा कठिन है, आज संस्कार को बचाने की लड़ाई चल रही है। आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, मुंगेरे में भी कॉन्वेंट है अंग्रेजी मीडियम का स्कूल, आप गर्व करते हैं जब आपका बच्चा आके आपको एक पोयम सुनाता है, आप बहुत खुश होते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि अगर आपका बच्चा एक चौपाई सुना दे या गीता के श्लोक का अर्थांश सुना दे तो आप गर्व महसूस करें, ये नहीं होता है। इतना परिवर्तन लाना जरूरी है। कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं पैदाइशी कंफ्यूज, क्योंकि एक फादर घर में एक फादर स्कूल में, बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है ओरिजिनल फादर कौन है।
आप किसी के घर जाइए, जाकर बैठिए, आंटी एक कप चाय रखेगी, पिंटू बेटे, फिर एक नंगा बच्चा टाई बांध के आता है, अंकल को पोयम सुनाओ, फिर वो चालू हो गया, डिंग डांग वेल पुसी इन द वेल हु पुटर इन, लिटिल टॉमी दिन हु पुटर आउट, लिटिल टॉमी स्ट्राउट, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को, मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है। अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और छत्तीसगढ़ी है जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है। संस्कार को जिंदा रखिए। मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सासों की भाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़, जन्म अगर दोबारा हो हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़, हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़। संस्कारों को जिंदा रखना जरूरी है। आज स्थिति बहुत खराब है, आज कविता बड़े संक्रमण से गुजर रही है। आइए तुमने संक्रमण कहे तो आगे तुम्हें कहे संक्रमण है आगे तो ये सोचा था प्रत्येक रात के घूमते अगर कवि सम्मेलन में हो कौन धार घूमते बैठे बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा देर में कुर्सी से उठ जावे, काबर उठ सांस लेना है, तो वजन में चपकाए रही। मैं 10 साल रामलीला पाठ करे, 10 साल आप बेमेतर हम पता कर सकत। छन्नूलाल गुरु जी डायरेक्टर रहे, अभी दुनिया में नहीं है। और मैं 10 साल रामलीला पाठ करे, 6 साल राम बने, 2 साल लक्ष्मण, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं 2 साल सीता भी बने है के काम आते, बने तो बने रावण आईस सीता हरण के दिन मोला देखी आईडिया ड्रॉप कर दी, इधर कहा ले जाऊ की मैं ही कहा ले जा ले भैया, ले जा ले सूट के स्टेप करके रधर रहे ले जा ले भैया, क्योंकि हमारा संस्कार रामलीला से आया। हम गांव से पैदा हुए, मैं अमेरिका में जाता हूँ जब 13.5 घंटे हवाई जहाज में बैठता हूँ, आप मानेंगे नहीं, इस माइक की कसम और इस मंच का सौगंध खा के कहता हूँ, मुझे अपना छत्तीसगढ़ याद आता है, मुझे अपना गांव याद आता है, मुझे अपना बचपन याद आता है, क्योंकि मैं चलता हूँ विदेश लेकिन मेरे साथ साथ मेरा गांव चलता है, और ये जो गांव है यही संस्कार है, यही संस्कृति है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के दुआरी माँ तुलसी जी माँ दिया बारे रहे छत्तीसगढ़ के दाई है। एक अंग्रेज आगे What is this small plant? ये नानपुर पौधा क्या है, ये मेरा दाई है, ये तेरा दाई है, क्या है मेरे नाम का दाई की? मेरे दाई का नाम है तुलसी माता, ये तेरा दाई है, इस नानपुर प्लांट इज योर मदर, आओ मेरा दाई है, देख मैं तेरे दाई का क्या गट बनाता हूँ। एक अंग्रेज उठान दिया, ये दाई मिले ददर नहीं मिले, तुम्हारा ददर भी है, हाँ है ददर, किधर है, इस बाड़ी में है, बाड़ी में लगी इसके आँच के पेड़ में है, बोले ये मेरा ददा है, वो अंग्रेज ददर और खानी साले आज तक खलो आप, वो बराबरी करी, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हम कॉन्फिडेंस में जिंदा हूँ। आइए अगले कवि को बुलाएं, खरियार रोड से हमारे बीच आए, पहली बार मंच पर आए, उनकी कविता विषयों पर शब्द बिंब की तरह, उस कविता को आप इलीट क्लास की तरह सुनिए, एरिस्टोक्रेट बनके सुनिए, इंटेलेक्चुअल बनके सुनिए, उनकी कविता गंभीर कविताएं होती हैं, लेकिन इतनी गंभीर भी नहीं होती, विषय को वो स्पर्श करते हैं। पहली बार आए भाई राकेश जैन, एक बार आप जोरदार ताली बजाएं खरियार रोड से, राकेश जैन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भुवन मोहिनी, मुंगेली व्यापार मेले में खड़ी हूं एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये बहुत अच्छा यूथ का एक अच्छा प्रयोग है, जब यूथ व्यापार की दिशा में बढ़ती है तो भारत के कांधों को नई मजबूती मिलती है। मैं बहुत खुश हूं यहां आकर, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, यहां पर स्टॉल्स देखी, लगभग 250 स्टॉल्स यहां पर लगी है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।